खबर पूरे संथाल परगना से। खबर के लिए सबसे पहले रुख करते हैं दुमका से। सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या। छत्तीसगढ़ से दीपावली की छुट्टी पर आया था दुमका। सीआरपीएफ जवान राजकुमार दत्ता ने मंगलवार को दुमका नगर थाना क्षेत्र के सुई पहाड़ मोहल्ले स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 30 वर्षीय दत्ता दीपावली की छुट्टी पर घर आया था। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजकुमार छत्तीसगढ़ में तैनात था। दीपावली पर छुट्टी लेकर घर आया था। दो दिन पहले रविवार को जवान की पत्नी ने दुमका के एक निजी अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया था। इसके दो दिन बाद ही उसने मंगलवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पत्नी और स्वजनों का रो रोकर बुरा हाल है। दुमका के कोआम के पास सड़क किनारे अज्ञात शव बरामद। दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ दुमका मुख्य मार्ग पर कोआम गांव के पास मंगलवार की सुबह पुलिस ने 35 वर्षीय एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया है। छठ पर्व पर सूप व डाला से पटने लगा बाजार। सूप वाले संजय ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हाट में सूप डाला का दाम कम है। इस साल डाला 150 रुपए से 200 रुपए तक, सूप 40 रुपए से लेकर 50 रुपए तक, सूप 30 रुपए एवं छोटा डलिया 30 रुपए तक हाट में बिक रहा है। हाट में शाम तक सूप डाला खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है। दूर दराज के गांव में भी लोग सूप यहां डाला और नारियल खरीदने के लिए आते हैं। छठ पूजा के बाद से बने सूप डाला का विशेष महत्व है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के सूप डाला का उपयोग किया जाता है। मोहली समाज के लोग छठ पूजा को लेकर दूर दराज के गाँव से यहाँ सूप डाला बेचने आते हैं। इधर दुमका में भी सूप डाला का बाजार सज गया है। दुमका के टीन बाजार, नीचे बाजार, हटिया के निकट सूप और डाला का बाजार सजा है। बुधवार को व्रतियों के द्वारा पूरे उत्साह से इसकी खरीदारी करते हुए देखा गया। तमा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लाभुकों से कहा कि ग्रीन कार्ड के लिए 30 तक आवेदन जमा करवाएं। जामा प्रखंड मुख्यालय विकास भवन में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर यादव की अध्यक्षता में जन वितरण प्रणाली के पीडीएस दुकानदारों की एक बैठक हुई। बैठक में प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी हरे कृष्ण देव ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रीन कार्ड बनाने की निर्धारित तिथि 30 नवंबर तक है। इसमें छूटे हुए लाभुक अपना आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को दिशा निर्देश देते हुए राशन कार्ड सरेंडर करने और ऑनलाइन ग्रीन राशन कार्ड बनाने के बारे में आवश्यक जानकारी दी। के लिए अब गोड्डा की ओर रुख करते हैं। नहाए खाए आज खरीदारी जोरों पर। गोड्डा जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लोक आस्था का महान पर्व छठ को लेकर तैयारी जोरों पर है। आज नहाए खाए के साथ 4 दिनों तक चलने वाला सूर्य उपासना का नियम निष्ठा का पर्व शुरू हो गया है। दूसरे दिन गुरुवार को खरना, शुक्रवार को अस्ताचलगामी एवं शनिवार को उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने का विद्यमान है। इसे लेकर हाट बाजारों में पूजन सामग्री की खरीदारी को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। वहीं विभिन्न नदी तालाबों अर्घ्य अर्पित करने को लेकर सफाई जोरों पर है। गोड्डा कारगिल चौक पर बजरंग दल ने फूका सीएम का पुतला। गोड्डा के कारगिल चौक पर राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से मंगलवार की शाम को सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दान किया गया। छठ पर्व को लेकर कोविड-19 का हवाला देकर कड़ी पाबंदी लगाने के सरकार के आदेश पर बजरंग दल ने उग्र विरोध शुरू किया है। बजरंग दल के जिला मंत्री ने कहा कि बार बार हिंदुओं पर प्रहार किया जा रहा है। छठ पूजा को लेकर हेमंत सरकार और जिला प्रशासन ने तानाशाही और तुगलकी फरमान जारी कर छठ व्रतियों और हिंदू धर्म के महापर्व के घाट पर नहीं जाने देने का फरमान दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। इधर कांग्रेस के पूर्व सांसद ने राहुल गांधी के राजनीतिक समझ पर उठाया सवाल। कहा उनका भाषण महिलाओं को समझ नहीं आता है। गोड्डा के पूर्व सांसद सह कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी ने कहा है कि राहुल गांधी के कार्यकाल में नॉन पॉलिटिकल लोगों का जमावड़ा लगा है। एमबीए पास लोग उनके सलाहकार हैं। वे हवाई यात्रा की व्यवस्था तो कर सकते हैं पर राजनीतिक समझ उनमें नहीं है। ऐसे लोगों को शहर कहना खराब लगता है। राहुल गांधी का भाषण महिलाओं को समझ में नहीं आता है। बिहार में चुनाव हार का कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। अति आत्मविश्वास बिहार में कांग्रेस को ले डूबा। खबर के लिए रुख करते हैं देवघर की ओर। जोश के साथ खिलाड़ियों ने लगाई दौड़। जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से केकेएन स्टेडियम में मंगलवार को एक दिवसीय छठा देवघर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया।
जिसमें पूरे जिले भर से लगभग 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता को 3 समूह में बांटा गया, जिसमें अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 बालक व बालिका का विभिन्न स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस संबंध में संघ के सचिव आशीष झा ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर बालिका और बालकों में गजब का उत्साह था। कोरोना काल की वजह से इन लोगों को अपना जौहर दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था। संघ ने प्रतियोगिता आयोजित कर खिलाड़ियों में जोश भरने का काम किया है। मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र से अगवा किशोर बरामद, 5 अपहरण करता हुए गिरफ्तार। देवघर के मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के बेहरा पहाड़ी गांव से 13 नवंबर को अगवा किशोर को पुलिस ने देर रात बढ़ई थाना क्षेत्र के पथरिया गांव से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने में शामिल 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य भाग निकलने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार रईस अंसारी मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के उदोडी गांव का रहने वाला है। वहीं मोहम्मद शमसुद्दीन शेख, मोहम्मद इब्राहिम शेख, मोहम्मद नसरुल शेख व जाफिर शेख बढ़ई थाना क्षेत्र के पथरिया गांव के निवासी हैं। एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि इसके पास से 3 बाइक, 60,000 नगद, 4 मोबाइल बरामद हुआ है। खबर जामताड़ा से, प्रतिबंधित मांस के साथ बाइक जब्त, आरोपी हो गया फरार। जामताड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जुर्गुडी सुखजोड़ा के बीच प्रतिबंधित मांस सहित एक बाइक जब्त किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा पुलिस एवं पीसीआर के टीम ने प्रतिबंधित मांस सहित बाइक को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार गांव के हिंदू संगठन के लोगों को भनक लगा था कि बाइक की डिक्की में प्रतिबंधित मांस लेकर बेचने की फिराक पर था। जानकारी के अनुसार बाइक जब्त कर जामताड़ा थाना भेजा गया है। इस दौरान बाइक छोड़कर आरोपी फरार हो गया। बाइक संख्या JH21D7963 है। क्या है आस्था के खिलाफ सरकारी गाइडलाइन, जानिए। झारखंड सरकार ने छठ पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी कर नदी, तालाब और अन्य छठ घाटों पर अर्घ्य देने पर रोक लगा दी थी और घरों में अर्घ्य देने को कहा है, लेकिन सरकार के इस निर्देश का विरोध शुरू हो गया। छठ व्रती छठ घाटों में अर्घ्य देने को अड़े हैं। विभिन्न छठ घाटों के साफ सफाई का काम सामाजिक तथा व्यक्तिगत रूप से युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा के साथ ही सरकार में शामिल प्रमुख दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भी छठ महापर्व को लेकर जारी गाइडलाइन में संशोधन की मांग की है। अब खबर पाकुड़ से, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। छठ महापर्व को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता ने शहर के काली भसान तालाब घाट पर जल सत्याग्रह किया। अमरापाड़ा भाजपा नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष बने राकेश कुमार दास, कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। अमरापाड़ा भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार दास के बनने से झामुमियों कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। सभी कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कई कार्यकर्ताओं ने व्हाट्सएप के माध्यम से बधाई और शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त अध्यक्ष राकेश कुमार दास ने सभी कार्यकर्ताओं को अभिवादन को सभी को मिठाई खिलाए। अब खबर साहेबगंज से, लोक आस्था पर चोट कर रही है झारखंड सरकार। राजमहल विधायक आनंद ओझा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को झारखंड सरकार की ओर से छठ को लेकर जारी गाइडलाइन के खिलाफ मुक्तेश्वर धाम गंगा घाट पर जल सत्याग्रह किया। आनंद ओझा ने कहा कि राज्य सरकार ने छठ महापर्व पर ऐसा फरमान जारी कर लोक आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। ट्रैक्टर के चपेट में आने से एक किशोरी की मौत। चरवाहा मैदान के पास राजमहल से उधवा जा रहे मिट्टी लदे ट्रैक्टर के पिछले डाले से धक्के से 13 वर्षीय किशोरी फूल कुमारी की मौत हो गई। बरहेट कुसुमा के मेघानाथ शाह अपने पूरे परिवार के साथ ऑटो से गंगा स्नान करने के लिए राजमहल जा रहे थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।